नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैंडी सेंटेक। चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए देखते हैं प्रगति मैदान रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। दोस्तों अभी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये अंदर से मैं आपको दिखा रहा हूं, खासकर ये ऑडिटोरियम का सीन है, कन्वेंशन सेंटर जो बिल्डिंग है उसके अंदर का। तो दोस्तों ये देखिए, इसका जो सीन मैं आपको दिखा रहा हूं अंदर से, इसके अंदर भी जो वॉल क्लैडिंग का जो कार्यक्रम है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। और ये बताना चाहूँगा कि दोस्तों इसका जो एक्सटर्नल में वॉल क्लैडिंग है और वो भी कंप्लीट हो चुकी है, और इसके अलावा उसके फसाद पर ग्लास भी लगना स्टार्ट हो चुका है। और इसके अगल बगल आप देख सकते हैं कुछ एक चीज़ें बची हुई हैं। दोस्तों ये देखिए वॉकवे है ये, और उसके अंदर भी ग्लासेस लग चुके हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो में। ये देखिए मैं आपको जो दिखा रहा हूँ सीन, देखिए इसके जो एक्सटर्नल में जो वॉल क्लैडिंग है इसका काम बहुत तेज़ी से हो चुका है। कहीं कहीं पर कुछ जो बैचेस छूटे हुए हैं उसका काम हो रहा है, और जहाँ तक नीचे जो देख रहे हैं आप, उसके नीचे इसके जो क्लैडिंग लग जाएगी तो दैट मीन्स इसके बाद तो काम ख़त्म हो जाएगा, खासकर वॉल क्लैडिंग का। जो ग्राउंड कलर का जो आप पत्थर नहीं है दोस्तों, ये बेसिकली एक मैं कहूँ कि एक क्लस्टर बनाया हुआ है और टोटल फैब्रिकेटेड है। ये पत्थर जैसा लग रहा है, बेसिकली है पत्थर नहीं है। तो दोस्तों इसको ला के इसको यहाँ पर इंस्टॉल किया जा रहा है फैब्रिकेट करके। अब दोस्तों मैं आपको पोडियम पे जो ये बाग जैसा बना हुआ है ये दिखा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर यहाँ पे पाम ट्रीज लग चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे फूल के पेड़ वगैरह लग चुके हैं। देखिए यहाँ पे ये जो फाउंटेन है उसका एरिया है। इसके आगे दोस्तों अट्रैक्शन का जो मैं कहूँगा कि अगर इसका जो फाउंटेन का एरिया है सबसे प्राइम अट्रैक्शन का जो एरिया है ये वो मैं कहूँगा यही है। ये देख रहे हैं आप, ये तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे अब एक तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि आम पब्लिक का मूवमेंट या आम लेबर का मूवमेंट यहाँ पे ना हो। देखिए ये पूरा एरिया जो उसके फाउंटेन का खासकर जो एरिया है, इसके अलावा पोडियम पे जो ये लगा हुआ है, जो पेड़ वगैरह लगा रखे हैं, इसका काम कम्प्लीट हो चुका है। अब ये थोड़ा आगे का जो पोर्शन है जो आपको कन्वेंशन सेंटर बिल्डिंग की तरफ लेके जा रहा है, इसका एरिया जो है वो अब बन रहा है। और इसके अलावा सीधा ये डायरेक्ट आप समझ सकते हैं कि कन्वेंशन सेंटर जो बना हुआ है इसके अंदर ये एरिया, ये जो वॉकवे बना हुआ है ये इसके अंदर अटैच कर दिया जाएगा। ये देखिए ये भी एक वॉकवे है, इसके अंदर से पब्लिक का मूवमेंट होगा, पब्लिक जाएगी, तो ये भी तकरीबन कंप्लीट है। तो दोस्तों ये मैं कुल मिला के कहूँगा कि ये प्रोजेक्ट अपने कंप्लीशन की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। खासकर पोडियम का जो वर्क है और फाउंटेन का वर्क है वो तकरीबन मैं कहूँगा कि 90% कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो ये देखिए मैं आपको दूर से दिखा रहा हूँ यहाँ क्या क्या काम हुआ है। ये इसके पूरे फाउंटेन का एरिया है दोस्तों, फाउंटेन चलेगा और यहाँ पे बहुत ही सुंदर लगेगा दोस्तों। ये सिर्फ मैं एक्सक्लूसिव वीडियो दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये आपने किसी भी वीडियो में अभी तक देखा नहीं होगा। ये आप देखिए पूरा फाउंटेन का एरिया है, ये पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है चारों तरफ इसके, ताकि इसके अंदर आम पब्लिक का मूवमेंट ना रहे। और ये बताऊं मैं इसके अंदर दोस्तों इन्होंने केमिकल प्रूफिंग कर दी है ऊपर से, जिसकी वजह से क्या है कि इसमें कहीं पे भी पानी जो इधर उधर रिसे ना, तो इसका भी पूरा इंतज़ाम किया गया है। ब्लैक कलर का पत्थर है, जो मार्बल है दोस्तों ये लगाया गया है। ये देखिए इसी पे रैंप पे चढ़ के आप ऊपर की तरफ जाएंगे कन्वेंशन सेंटर की तरफ। तो मैंने कोशिश किया कि इस बार आपको बहुत क्लोज दिखाऊँ और काफ़ी पास से दिखाऊँ, तो वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। इस बार बहुत ही क्लोज लेके आया हूँ दोस्तों मैं आपको दिखाने के लिए। ये पूरे फाउंटेन का एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये पोडियम का एरिया भी दिखा रहा हूँ कि इस पर क्या क्या काम हुआ है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक है दोस्तों। अब तो ये बनने के बाद लगता है वाकई कि कुछ काम हुआ है यहाँ पे। अब ये दोनों बिल्डिंग हैं, इनके अंदर इंटीरियर काम बहुत फास्ट मोड में है, और मैं आपको बताऊं कि ये इंटीरियर काम भी इसका जल्दी हो जाएगा जहाँ तक मुझे उम्मीद लग रही है। अब इसके ऊपर जो पोडियम वगैरह काम है, खासकर जहाँ से पब्लिक का मूवमेंट रहेगा, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों फाउंटेन का एरिया। यहाँ पर छोटी छोटी मोज़ेक टाइल्स लगाई हैं अंदर इसके फाउंटेन एरिया के अंदर। ये देखिए यहाँ से कितना सुंदर लग रहा है, खासकर पोडियम का एरिया बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए चारों तरफ से
बैरिकेडिंग कर रखी है। ये देखिए ये एरिया पूरा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, ये मान के चलिए आप। अब इसमें मैं कहूँगा कि 20% काम, जो छोटा मोटा काम है वो बचा हुआ है, अदरवाइज ये एरिया कंप्लीट है। यहाँ पे अब क्लैडिंग वगैरह लगा दी जाएगी, खासकर वॉल क्लैडिंग, मार्बल की जो क्लैडिंग है, ये मार्बल ब्लैक कलर का जो मार्बल है ये लगा दिया जाएगा, अगल बगल के पत्थर लगा दिया जाएगा, जिससे कि और भी सुंदर लगेगा। और टोटल मैं कहूँगा दोस्तों ये पूरा ब्लैक कलर का होगा अगल बगल, जैसा लग रहा है देखने में। और इसमें भी शायद रेड कलर का पत्थर लगाया जाएगा, खासकर स्टेयर्स के बगल में। और ख़ासकर ये जो एरिया जहाँ पे आपका फाउंटेन का एरिया पूरा ब्लैक है दोस्तों, ब्राउन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है दोस्तों। ये है आपका एंट्रेंस है, यहाँ से दोस्तों जो पब्लिक का मूवमेंट रहेगा, पब्लिक यहाँ से आएगी, चेकिंग, ये चेकिंग पॉइंट्स बने हुए दोस्तों। ये देखिए ये भी बहुत तेज़ी से चल रहा है इस पर काम, और ये भी तकरीबन मान के चलिए कि ज़्यादा इसमें काम है नहीं। जो लोग कह रहे थे कि जी बन नहीं सकता, ये नहीं होगा, बनेगा नहीं, काम बहुत पेंडिंग चल रहा है, ये है दोस्तों, पेंडिंग कुछ नहीं है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो 2 महीने में कंप्लीट करा दे, फुल थ्रॉटल के साथ काम करना चाहे तो। तो टोटल डिपेंड करता है, वो जितना आप गुड़ डालेंगे उतना गुड़ मीठा होगा, उतनी चाशनी मीठी होगी दोस्तों। ये बाहर का मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ, बाहर किस तरीके का है, ये पूरे आपके प्रगति मैदान के बाहर का व्यू है। और दोस्तों ये देखिए प्रगति मैदान में गेट भी बनना स्टार्ट हो चुका है, ये पूरा गेट है दोस्तों, ये एंट्रेंस होगा, इसी एंट्रेंस के थ्रू आप नए वाले कन्वेंशन सेंटर में जाएंगे दोस्तों। उसी के साथ मैं कहना चाहूँगा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए उसके बगल में जो बिल्डिंग बन रही है वो भी अब उस पर भी काम स्टार्ट हो चुका है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग सैनिटेक चैनल, थैंक यू।